कितना सुकून है नहीं जी। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चे को अपने सीने पे लिटाइए, इसे अपनी धड़कन सुनाइए, सो जाएगा। क्योंकि ये भी एक तरीका होता है बच्चे को यकीन दिलाने का कि वो महफूज है। डॉक्टर ने भी यही कह रही थी कि ना इसको आपके ना दिल की धड़कन सुनाइए। थैंक यू जी, अगर आप ना होते ये बड़ा सा अस्पताल ना होता मैं और बच्चा क्या करते। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होती मेरे दिल की धड़कन तो ये बच्चा पहचानता नहीं है, मैं कैसे सुलाता। अब हम इसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमरा बनाएंगे। हैं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े, तब उनको अलग कमरा देना चाहिए। बच्चे ना बड़े बेमुरव्वत होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। अब देखिए ना, आपने झूठे मुंह भी नहीं कहा कि एक बार अम्मा को कॉल करके बुला दूंगा। ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा तो फिर कॉल कर लें उनको, काफी कॉल्स आ रही थी उनकी। सुने सुने से पुत्र की मां बन गई है तू। आऊंगा, चाची आएगी ना तो साथ आऊंगा। वो वेखांदे सही साडा पुत्र की हो जाए है। क्या हुआ? अम्मा कार नहीं। कौन था? काला कलर। चार चार देखे बनवाइए। हाँ शुक्र है अल्लाह का, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है। परेशानी में पता ही नहीं चला दिन कब गुजरा रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या कर रही है यहाँ किचन में, क्या कर रही है ये? भाभी बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है तो भैया ने खाना बनवाया है। हाँ तो 100 बार बांटो, लेकिन ये काम बाहर भी तो हो सकता ना, मेरे किचन में क्यों हो रहा है? भाभी भैया इतने परेशान है, उनका दिन और रात दफ्तर और हॉस्पिटल में गुजर जाता है, उन्हें जो समझ में आया उन्होंने करवा दिया। ज़ैनी पूछ तो सकते थे ना मुझसे। क्या मतलब है पूछा जा सकता था आपसे? बच्चे की तबीयत आपसे पूछ के ठीक या खराब होगी? आप तो वैसे ही ना शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। आपको इतना ख्याल नहीं है मेरे भैया ने खाना भी खाया या नहीं, इवन वो सुकून की नींद भी सोए या नहीं। किस तरह से बात कर रही हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे अपने किचन में ये गंद नहीं पसंद। जानती हूँ ये खुलेगा तो कितना गंद मचेगा, कितना मेस होगा। ये बाहर भी तो हो सकता है ना, मेरा किचन है ना यार, मैं जानती हूँ। ये किचन मेरे भाई और सहर भाभी का भी है और वो जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँ। ये देंगे नहीं खुलेगी, खोल के तो दिखा। नूरी हिस्से बनाओ इनके, ये हम बांटेंगे। तुम बहस क्यों कर रही हो? भैया ये मुझ पे चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं ये खाना फेंक देंगी क्योंकि इनका किचन मैसी हो रहा है। नूरी बताओ कौन झूठ बोल रहा है, कौन बहस कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, बताओ। नहीं नहीं साहब जी, बाजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं ज़ैनी बीबी को किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैंने तो ज़ैनी बीबी से कहा था कि सारा खाना बाहर से बांध कर बंटवा देती हूँ, लेकिन इन्होंने। एक सेकंड, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे यार? और नूरी तुम कि बात बे बात चिल्लाना मत शुरू कर दिया करो, समझी? Are you actually telling me? Yes, I am actually telling you, Komal. You can't talk to me like this. क्यों कोमल? क्यों? एक सेकंड, क्या मसला क्या है इस खाने से तुम? भैया आप प्लीज जाके फ्रेश हम आपको खाना भिजवा दी। उमर ये खाना नहीं खाएगा, मैंने घर पे बनवाया हुआ जो है। नूरी जाओ उमर के लिए सूप गर्म करो। एक सेकंड नूरी, यही खाना खाऊंगा और तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, समझी? खाना भिजवा दो। नूरी अपने हाथ चलाओ जल्दी जल्दी।